सो वेल गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिवम गर्ग। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गो फेस्ट के ऑल फीचर्स के बारे में, जो कि अवेलेबल होंगे टिकटेड और नॉन टिकटेड प्लेयर्स को, यानी कि जिन्होंने टिकट खरीदी है और जिन्होंने नहीं खरीदी, सबके बारे में बताऊंगा। क्योंकि फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन प्लेयर्स ने टिकट खरीदी है उनको यही नहीं पता कि टिकट हमने खरीद ली लेकिन अब इसका करना क्या है ना, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसलिए सब कुछ बताऊंगा। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की। और सो भाई लोग देखो, पहले मैं उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि टिकटेड और नॉन टिकटेड दोनों को अवेलेबल होंगे, ओके। सो देखो, यहाँ पर जो पहला फीचर है उसमें आपको जो कॉस्ट्यूम थीम पिकाचू देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्पेशल सा पिकाचू है, वो दोनों को अवेलेबल होगा, जिन्होंने टिकट खरीदी है या फिर जिन्होंने नहीं खरीदी, ओके, दोनों को अवेलेबल होगा, पहला फीचर। सो अगला जो फीचर है उसमें आपको जो चार रोटेटिंग हैबिटेट्स देखने को मिल रहा है, जिसमें इंक्लूड होता है जंगल, डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन बीच और केव। तो ये जो हैबिटेट है वो सबको मिलेगा, और साथ में आपको जो स्पेशल कॉस्ट्यूम थीम पोकेमॉन होंगे वो सबको मिलेंगे, ओके। और साथ में आपको जो गेम के अंदर कुछ विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि जो आपको पतझर से गिरते हुए दिखते हैं ना, वो सबको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये था सेकंड फीचर। सो अगला जो थर्ड फीचर है उसमें आपको जो ल्योर मॉड्यूल्स होंगे वो एक्टिवेट देखने को मिलेंगे 3 घंटे तक, दोनों को देखने को मिलेंगे, मतलब कि टिकटेड और नॉन टिकटेड दोनों को देखने को मिलेंगे, ओके। सो ये था तीसरा फीचर। सो अगला जो फोर्थ फीचर है उसमें आपको रेड देखने को मिलेगी, जो कि आपको पता है कि 18 जुलाई को आपको मिलेगा, जिसमें अभी तक जो भी लेजेंडरी पोकेमॉन आया है गेम के अंदर, यानी कि रेड के अंदर, वो आपको 18 जुलाई को देखने को मिलेगा रेड्स के अंदर। और बाकी जो फील्ड रिसर्च टास्क है उसमें से जो आपको स्पेशल पोकेमॉन्स मिलेंगे वो दोनों को मिलेंगे, ओके। हाँ, बट आप इसमें कन्फ्यूज मत होना कि मैं बात कर रहा हूँ फील्ड रिसर्च टास्क की, ना कि स्पेशल रिसर्च स्टोरी की, ओके। तो ये था फोर्थ फीचर। सो अगला जो फिफ्थ फीचर है उसमें जो है आपका जो हैच डिस्टेंस होगा एग का वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो जो है हाफ हो जाएगा, यानी कि अगर 2 किलोमीटर का एग है देन वो 1 किलोमीटर का हो जाएगा। और इसी के साथ आपको जो 7 किलोमीटर एग है उनमें से जो स्पेशल पोकेमॉन देखने को मिलेंगे गो फेस्ट के ड्यूरिंग, वो सबको देखने को मिलेगा, ओके। सो ये था फिफ्थ फीचर। तो अगला जो सिक्स्थ फीचर है वो थोड़ा अलग सा है, यानी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो गो फेस्ट के ड्यूरिंग, एंड आप में से जो है जो भी कोई अच्छी फोटोज़ को वहाँ पर क्लिक करता है एंड अपलोड करता है इंस्टाग्राम के ऊपर विद हैशटैग पोकेमॉन गो फेस्ट 2021, देन यहाँ पर जो है उनकी फ़ोटोज़ को स्पेशली दिखाया जाएगा टुडे व्यू वाले टैब के अंदर, ओके। तो ये भी दोनों को अवेलेबल है, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसको मतलब कि इग्नोर करना एक तरीके से, ओके। तो अगला जो फीचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, यानी कि उसमें जो है आपको एक न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलेगा पोकेमॉन गो गेम में, जी हाँ, यानी कि आपको जो पहले देखने को मिलता था ना बचकाना सा म्यूजिक, जिसके वजह से आप साउंड ऑफ करके खेलते थे, तो अब आपको वो करने की नीड नहीं है, आपको एक स्पेशल सा न्यू मतलब कि म्यूजिक देखने को मिलेगा, तो आप जो है खासकर से अपने साउंड को ऑन करके खेलना गेम को, ठीक है। सो भाई लोग, ये थे वो फीचर्स जो कि अवेलेबल होंगे दोनों प्लेयर्स को, यानी कि जिन्होंने टिकट खरीदी है और जिन्होंने नहीं खरीदी, दोनों को ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए वो अवेलेबल होने वाले हैं। तो अब बात आती है उन फीचर्स के बारे में जो कि ओनली मिलेंगे टिकट होल्डर्स को, यानी कि जिन्होंने खरीदी है टिकट, ओके भाई लोग। सो देखो, यहाँ पर आपको जो पहला फीचर देखने को मिलेगा वो है एक स्पेशल रिसर्च स्टोरी, जिसको अगर आप कंप्लीट करोगे देन आपको मिलेगा एक न्यू पोकेमॉन जो कि है मेलोएटा, जी हाँ, एंड इसी के साथ आपको चूज करने को मिलेगा 2 ऑप्शन के बीच में, यानी कि जो है आप पिकाचू रॉक स्टार को जो है यहाँ पर चूज कर सकते हो, या फिर पिकाचू पॉप स्टार को अगर चूज करते हो देन आपका जो मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक होगा ना गेम का वो जो है चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, जो सा आप इन दोनों में से चूज करते हो, ओके। ये था पहला फीचर। सो अगला जो फीचर है उसमें जो है आपको जो मेलोएटा मैंने आपको बताया पहले फीचर के अंदर, उसमें जो है आप उसको अर्ली एक्सेस, यानी कि आप उसको पहले ही कैच कर पाओगे बाकी ट्रेनर्स के मुकाबले जिन्होंने टिकट नहीं खरीदी, ओके। तो ये था सेकंड। सो अगला जो थर्ड फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक ग्लोबल चैलेंज, जिसको आप सभी टिकट होल्डर्स प्लेयर्स को मिलकर कंप्लीट करना होगा, ताकि जो है आपको एक अल्ट्रा अनलॉक बोनस देखने को मिल जाए, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। और अगर आपको नहीं पता अल्ट्रा अनलॉक बोनस के बारे में, देन इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, एंड वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, ओके। सो ये था थर्ड फीचर। तो अगला जो फोर्थ फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 कलेक्शन चैलेंज, यानी कि जिस तरीके से अभी आपको देखने को मिला था ना बीच में कलेक्शन चैलेंज,
ठीक उसी तरीके से इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, बट इस बार 4 होंगे जो कि बेस होंगे 4 रोटेटिंग हैबिटेट के ऊपर, यानी कि जंगल, डेजर्ट माउंटेन, ओशियन बीच एंड केव के ऊपर जो है आपको कलेक्शन चैलेंज देखने को मिलेंगे। और इनको कंप्लीट करने पर आपको मिलेंगे कलेक्शन बैज, यानी कि जिस तरीके से पहले मिलते आ रहे हैं ठीक उसी तरीके से आपको दोबारा मिलेंगे। ओके, सो ये था 4th फीचर। सो अगला जो 5वां फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ स्पेशल पोकेमोन जो कि अट्रैक्ट होंगे इंसेंस के द्वारा, यानी कि अगर आप जो है गो फेस्ट के अंदर इंसेंस यूज करोगे देन आप जो है कुछ स्पेशल पोकेमोन को अट्रैक्ट कर पाओगे जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, तो इनको आप इंसेंस के द्वारा अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये था 5th फीचर। सो अगला जो 6th फीचर है उसमें आपके जो चांस होंगे शाइनी पोकेमोन्स को लेने के वो एकदम हाई लेवल तक हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है शाइनी पोकेमोन्स को कैच करने की। आप सिंपली जो है अगर 10 या 5 पोकेमोन को कैच करते हो देन अगला जो आपको पोकेमोन मिलेगा वो पॉसिबिलिटी के साथ शाइनी मिलेगा। जी हाँ, एंड बाकी जो है नॉन टिकटेड को उनके लिए जो है वही नॉर्मल सा एक तरीके से लक होगा, यानी कि अगर वो टिकट नहीं खरीदते देन जितना जो है वो पहले पोकेमोन को कैच करके शाइनी लेते थे ठीक उसी तरीके से उनको जो है दोबारा उन्हीं पोकेमोन को कैच करना पड़ेगा शाइनी लेने के लिए, उनके लिए कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं है। ओके, बेसिकली जो है आपको सैटरडे को ये फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि गो फेस्ट के पहले दिन आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। अगला जो दिन होगा वो बेसिकली रेड का होगा देन उसमें आपको ये ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो 17 जुलाई इज बेस्ट फॉर शाइनी पोकेमोन्स। ओके भाई लोग, तो ये था ये फीचर। सो अगला जो 7th फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे इवेंट एक्सक्लूसिव अवतार पोज, यानी कि आपका करेक्टर जिस तरीके से जो है खड़ा होता है ना उसके अलग अलग पोज आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको देखने को मिलेंगे कुछ गेम के अंदर मेडल्स जो कि न्यू होंगे। ओके भाई लोग, तो ये था 7th फीचर। सो अगला जो 8th फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेगा सरप्राइज इनकाउंटर स्नैपशॉट लेने पर, जैसे ही आपका स्पेशल रिसर्च स्टोरी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप जो है मेलोटा वाली स्पेशल रिसर्च स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हो देन वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे स्नैपशॉट के अंदर मेलोटा। ओके, तो ये था 8th फीचर। सो अगला जो 9th फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ थीम इवेंट स्टिकर्स जो कि आपको मिलेंगे पॉकेटस्टॉप को स्पिन करने के बाद और गिफ्ट को ओपन करने के बाद। ओके, एंड आप इन स्टिकर को अगेन यूज कर सकते हो अपने गिफ्ट के साथ फ्रेंड को सेंड करने के लिए। ओके, तो ये था 9th फीचर। सो अगला जो 10th फीचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है जिसमें आपको मिलेगी एक्स्ट्रा 10,000 XP हर एक रेड को करने के बाद जो कि आप करोगे संडे को, यानी कि गो फेस्ट के सेकेंड डे को, यानी कि 18 जुलाई को। ओके, तो आपको हर रेड को करने के बाद एक्स्ट्रा 10,000 XP मिलेगी, यानी कि टोटल 20,000 XP। ओके, तो ये था 10th फीचर। सो अगला जो 11th फीचर है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि अगर आपके पास रेड पास की कमी है बट आपने जो है टिकट को परचेज कर रखा है देन भाई लोग आपको देखने को मिलेगा एक टाइम्ड रिसर्च जिसको आप कंप्लीट अगर करोगे संडे को देन यहाँ पर जो है आप ले पाओगे अप टू 8 रिमोट रेड पास। जी हाँ, 8 फ्री के रिमोट रेड पास आपको फ्री में मिल जाएंगे, बस आपको जो है एक टाइम रिसर्च स्टोरी को कंप्लीट करना होगा जो कि आपको मिलेगी संडे को। ओके, तो ये था 11th फीचर। सो अगला जो 12th फीचर है उसमें आपको मिलेगा एक बंडल रिमोटेड पास का शॉप के अंदर बिल्कुल फ्री, जिसको अगर आप मतलब कि लेते हो फ्री में देन आपको उसके अंदर से 3 रिमोटेड पास मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है रेट्स को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो ये भी हो गया फीचर। सो अगले अब 2 फीचर बचे लास्ट जो कि मैं आपको अब बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई लोग, सो देखो अगला जो 13th फीचर है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं अप टू 10 फ्री रेड पास फ्रॉम जिम्स। जी हाँ, यानी कि आपको पता है कि आपको जो है एक दिन का ओनली एक रेड पास मिलता है फ्री का, बट आपको जो है संडे को यानी कि गो फेस्ट के रेड वाले दिन को आपको मिल सकते हैं 10 फ्री रेड पास जिम को स्पिन करने पर। ओके भाई लोग, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर से जो है मतलब कि यूज़ करना, आप जिम को जो है स्पिन करना मत भूलना। ओके भाई लोग, तो ये था लास्ट 2nd फीचर। सो अब जो ओनली लास्ट फीचर बचा हुआ है वो होने वाला है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी तक का टिकट होल्डर्स के लिए। ओके, सो ध्यान से सुनना।
सो देखो आपको 5000 पॉकी कॉइन्स, अरे गलत मत सोचो, 5000 पॉकी कॉइन फ्री नहीं मिलेंगे। जरा सुन लो यार ध्यान से कि आपको जो 5000 पॉकी कॉइन के जो आइटम्स होंगे ना वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कहाँ से आपको मिलेंगे? वो रिसर्च टास्क को कंप्लीट करने के बाद, बोनसेस को कंप्लीट करने के बाद और कुछ बंडल्स को परचेज करने के बाद, जो कि आपको मिलेंगे शॉप के अंदर। ओके, बेसिकली जो है जो आइटम्स की कीमत 5000 पॉकी कॉइन के अंदर आती है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे इनके अंदर से। ओके, तो ये लास्ट वाला बहुत अच्छा था और सेकंड लास्ट भी बहुत अच्छा था। तो बेसिकली भाई लोग ये होने वाले हैं वो सारे फीचर्स जो कि मिलेंगे टिकट होल्डर्स को, यानी कि जिन्होंने टिकट खरीदी है, और जिन्होंने टिकट नहीं खरीदी उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, बट वही बात है कि जो है टिकट होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट जो नॉन टिकटेड है उनको कम बेनिफिट मिलेगा। बस इतनी ही बात है। एंड आई होप कि आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी ये वीडियो। और जो बैकग्राउंड में आपको जो शोर आ रहा है ना, वो यार बारिश हो रही है पीछे, तो आप उसको जो है थोड़ा इग्नोर कर देना। ओके भाई लोग, तो चलो यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। और जिनको वीडियो पसंद आई और जिनको नहीं भी आई, दोनों लाइक कर दो यार, क्या जरा लाइक करने में, है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। तो एक एक लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, और कमेंट कर दो कुछ भी प्यारा सा। यार मेरे को मतलब कि अच्छा लगता है यार, कुछ अच्छे कमेंट रीड करता हूँ ना तो अच्छा लगता है दिल को, ठीक है। तो कर दो कुछ अच्छा प्यारा सा कमेंट। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।